हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ग्रोथ स्कैन के बारे में। और ये ग्रोथ स्कैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में कराने के लिए। इसके थ्रू हमें अपने बच्चे के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, लाइक बच्चे का वेट कैसा है, कहीं वो कम तो नहीं है या कहीं वो वीक से ज्यादा तो नहीं है। साथ ही साथ हमें बच्चे के ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे नहीं कर रहे ये भी पता चलता है, और बच्चे तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज के बारे में भी काफी सारी नॉलेज हमको मिलती है। इसलिए अगर आपका भी 27 या 30 वीक चल रहा है और आपको डॉक्टर ने एडवाइस करा है कि नेक्स्ट स्कैन आपको ग्रोथ स्कैन कराना है, तो फ्रेंड आपको ये स्कैन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस स्कैन के थ्रू आपको आपके बारे आपके बच्चे के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ग्रोथ स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है और डॉक्टर इसमें क्या क्या देखते हैं मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर इस स्कैन के थ्रू देखते हैं कि बच्चे का वेट क्या है, कहीं वो कम या ज्यादा तो नहीं है, और साथ ही साथ डॉक्टर देखते हैं कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे के सर तक ब्लड का फ्लो सही है या नहीं है, और साथ ही साथ बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर बच्चे की बीपीडी मेजर करते हैं, यानी कि जो बच्चे का सर होता है उसकी गोलाई की मेजरमेंट करते हैं, बच्चे का एब्डोमेन की जो मेजरमेंट करते हैं, बच्चे के जो एफएल यानी कि फेमर लेंथ होती है उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें डॉक्टर देखते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा का जो एमनियोटिक फ्लूड होता है, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि AFI करके लिखा होता है, यानी कि जो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूड होता है कहीं वो तो कम नहीं है, ये सारी चीजें जो है एक ग्रोथ स्कैन में देखी जाती है। इसलिए ये ग्रोथ स्कैन प्रेगनेंसी में कराना बहुत ही कंपलसरी होता है ताकि हमें हमारे बच्चे के बारे में जानकारी मिल सके। फ्रेंड अब बात करेंगे कि अगर आप अब ग्रोथ स्कैन कराने जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ग्रोथ स्कैन कैसे होता है, यानी वो ट्रांसवेजाइनल होता है या एब्डोमेन से होता है, तो फ्रेंड यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो ये ग्रोथ स्कैन होता है वो एब्डोमेन के ही थ्रू होता है, यानी डॉक्टर पेट के ऊपर से ही आपका जो है ग्रोथ स्कैन करते हैं और ये जल्दी हो जाता है, 5 या 6-7 मिनट इसमें लगते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, क्योंकि डॉक्टर जो है कुछ मेन चीज़ें ही इसमें देखते हैं, ज़्यादा डीपली कुछ देखा नहीं जाता है। और अब मैं दिखाऊंगी अपनी ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट और उसके थ्रू ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ग्रोथ स्कैन में एक्चुअली देखा क्या क्या जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये है मेरी ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट और इसमें बच्चे की पिक्चर जो जो डॉक्टर मेजर करते हैं वो सारी पिक्चर यहाँ पे डॉक्टर ने ले रखी है। जैसे यहाँ पे बच्चे का जो हेड है उसकी मेजरमेंट की हुई है, तो यहाँ पे बच्चे की हेड की जो गोलाई है वो दिखाई गई है, बच्चे के जो इसमें हाथ हैं वो उनकी मेजरमेंट दिखाई गई है। तो ये सारी चीजें जो होती है, यहाँ पे बच्चे की बैकबोन है, ये सब चीजें जो है एक डॉक्टर ग्रोथ स्कैन में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, यानी कि आपका नाम, आपकी डॉक्टर का नाम वो सब लिखा जाता है, आपकी एज लिखी जाती है, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्कैन सो सिंगल इंट्रायूटेरिन फेटस विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि स्कैन में सिंगल फेटस शो हो रहा है और विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि जो बच्चे की पोजीशन है वो सिफेलिक है और ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है। अगर ये पोजीशन आपकी 9 मंथ तक रहती है, यानी कि जब आपका लास्ट स्कैन होता है, अगर तब तक आपकी ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन रहती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफी हाई रहते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कि फेटल हार्ट एंड एओर्टिक पल्सेशन एंड लिम्ब एंड बॉडी मूवमेंट सीन अंडर रियल टाइम स्कैनिंग एंड अपीयर नॉर्मल। इसमें बच्चे की हार्ट बीट, फेटल हार्ट रेट 142 बीट पर मिनट, यानी कि जो बच्चे का फेटल हार्ट है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है और साथ ही साथ उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो भी प्रॉपरली हो रही है, और जो बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स है वो सब जो है नॉर्मल अपीयर है स्कैनिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर एंड इन अपर पार्ट। जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो पोस्टीरियर है, या तो एंटीरियर होगी या पोस्टीरियर होगी। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में होता है कि लो लेंथ प्लेसेंटा भी शो कर जाता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। लो लेंथ प्लेसेंटा अगर आपका होता है तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे मेरी रिपोर्ट में
पोस्टीरियर प्लेसेंटा था और ये बिल्कुल नॉर्मल प्लेसेंटा माना जाता है। और पोस्टीरियर प्लेसेंटा होने का फायदा ये भी है फ्रेंड कि आपको बच्चे की मूवमेंट काफी जल्दी पता भी चल सकती है। और यहाँ पे रेट्रोप्लेसेंटल एरिया वो भी क्लियर था। प्लेसेंटा की जो मेच्योरिटी जो ग्रेड है वो सेकंड आया है। अगर आपका थर्ड भी आता है और या अगर आपका फर्स्ट भी ही रहता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। और इसमें नो कॉन्जेनिटल विसरल और क्रेनियो स्पाइनल एनामोली सीन, जो बच्चे में कोई भी किसी भी प्रकार की जो एनामोली होती है, विसंगतियां होती हैं, किसी भी तरह की डिटेक्ट नहीं हुई है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है इज एडिक्वेट, मतलब जो बच्चे जिस पानी में रहता है उसका लेवल भी एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब नॉर्मल है, यानी AFI 12.2 दे रखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इंटरनल ओएस इज क्लोज है, जैसे कि आपको पता है कि ये 27 वीक का है तो तब तक हमारी जो इंटरनल ओएस होती है वो क्लोज ही रहती है। सर्विकल लेंथ जो है वो भी नॉर्मल एडिक्वेट है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है बाई पेरिटल डायमीटर यानी कि BPD। तो यहाँ पे BPD की जो मेजरमेंट है वो ये आ रखी है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। फेमोर लेंथ, जो बच्चे की जांघ की हड्डी होती है उसकी मेजरमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल है। और जो एब्डोमिनल यानी कि जो बच्चे का पेट होता है उसकी गोलाई की जो मेजरमेंट की जाती है वो भी बिल्कुल नॉर्मल अपीयर हो रही है। बच्चे का अप्रोक्स वेट है 27 वीक की प्रेगनेंसी में 1 किलो 151 ग्राम। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस 12% या तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बट टोटल मिलाकर जो वेट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो मैच्योरिटी है यानी कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो 27 वीक 5 डेज की है। LMP मेरी थी 18 तारीख नवंबर की थी और 2020 की थी। इसमें यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग दे रखी है 25 अगस्त 2021। इम्प्रेशन में सिंगल लाइफ फेटस ऑफ 27 वीक 5 डेज मेच्योरिटी, यानी कि जो फेटस है उसकी वीक जो हो रहे हैं वो 27 वीक 5 डेज हो रहे हैं। तो ये था मेरा ग्रोथ स्कैन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड ये थी मेरी ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको ग्रोथ स्कैन के थ्रू डॉक्टर चेक करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड सही से है या नहीं है, यानी कि कहीं ऊपर नीचे कहीं कम तो नहीं है या कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और साथ ही साथ बच्चे तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर ब्लड का फ्लो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे के सर तक ब्लड की सप्लाई सही से हो रही है या नहीं हो रही है, और बच्चे का वेट वीक के अकॉर्डिंग कहीं बहुत कम तो नहीं है या कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारी मेजरमेंट जो है डॉक्टर ग्रोथ स्कैन में चेक करते हैं, और अगर ये सारी मेजरमेंट नॉर्मल आती है तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट स्कैन जब भी टाइम होता है उसी टाइम पे कराने को बोलते हैं। बट अगर इन सारी बातों में से किसी एक बात में भी कोई कमी आती है जहाँ डॉक्टर को लगता है कि हमें जो नेक्स्ट स्कैन है थोड़ा पहले कराना चाहिए, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको 1 या 2 हफ्ते के बाद दूसरा स्कैन भी तुरंत कराने को बोल दे। पर इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आपके बच्चे के ऊपर निगरानी रखी जा सके, और अगर डॉक्टर को लगता है कि नेक्स्ट स्कैन में भी सेम प्रॉब्लम बनी हुई है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको टाइम से पहले डिलीवरी कराने के लिए बोल दे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को आपके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो सही से मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको टाइम से पहले बेबी डिलीवर करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब बातें होती हैं जो डॉक्टर ग्रोथ स्कैन में देखते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि इसके बाद जो भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।